मेला आए, मेला आए, डैमेज मेला को पड़ा और मेला फंस गए, जिसके कारण मेला गए। काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर धावशी ने फील्डिंग सेट करी थी। ये बदला है लीग के अंदर एक सिंड्रेला स्टोरी जिसको कह सकते हैं। सो इट्स अ बैटल फॉर द सेवेंथ स्पॉट एंड इनफैक्ट द सिक्स्थ स्पॉट, और इन्फिनिटी को ऑलरेडी एक काफी खराब शुरुआत हो चुकी है। गॉड लाइक के प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपना यसनाय के तरफ लूट खत्म करके अपने फर्स्ट रोटेशन के तरफ आ चुके हैं। क्लच गॉड यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं एरियाज का कि कहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आई थिंक यहाँ पे रहना ठीक ही रहेगा जब तक नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट नहीं आता, जब तक उनको आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल के लिए केओस नेक्स्ट हुआ, एक बहुत ही अच्छा सीजन मैं कहूंगा उनका इस बार देखने को मिला। जो रन था कमिंग इन जो जीसी के अंदर एक सिंड्रेला स्टोरी जिसको कह सकते हैं, एंड सडनली यू नो इतनी लंबी छलांग मारने का मौका। बट फिलहाल के लिए गॉड लाइक के प्लेयर्स उसी शेल्टर एरियाज के पास में आ चुके हैं जहां पे इससे पहले जो रैंगल गेम पे काफी सारा एकदम से फाइट बन जाती है। अल्फा 7 इस समय सातवें पायदान पर, वो भी अगर सर्वाइव करते तो इन्फिनिटी को टक्कर डेफिनेटली दे सकते हैं क्योंकि वो 137 पॉइंट्स एज ऑफ नाउ बना जरूर चुके हैं। एलिमिनेट होते कहीं उनका सफर खत्म होते हुए यहीं पे नजर आएगा। निग्मा गैलेक्सी 10वें पायदान पे बाहर हो चुकी है, बट जोनाथन ने यहां पे फोर राइवल्स के एक प्लेयर को नॉक भी किया। कंपटीशन जो यहाँ पे फोर राइवल्स के एक प्लेयर को नॉक भी किया, साथ ही साथ फिनिश भी निकाला। दो फिनिशेस गॉड लाइक के हो चुके हैं, इनफैक्ट तीसरा भी यहाँ पर क्लच गॉड निकालते नजर आए हैं। गॉड लाइक के पास तीन फिनिशेस और अपनी इमीडिएट कंपटीशन जो फोर राइवल्स थी उनके ऊपर उनको उन्होंने खत्म किया है। हालांकि फोर राइवल्स की बात करें तो 6 उनके पास एलिमिनेशन पॉइंट्स, नॉकआउट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कालसी के कालसी किसी भी मोमेंट यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे, बट जिस तरीके से स्मोक्स यहाँ पे डाल दिया गया है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट गॉड लाइक एक ब्रीदिंग चांस, एक आखिरी चांस, एक कॉन्सोलेशन चिकन डिनर लेने का मौका, कैन दे डू इट? That's the question. Can they do it or will they be able to do it? क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है अभी भी उसी लेवल की फियर्स कॉम्पिटिशन में नजर आ रही है। हालांकि SUG के कैल्सी को देखिए, उनको सोमराज डेफिनेटली देख रहे होंगे, एंड देखा भी है और पिक भी किया है यहाँ पर, नॉक इंस्टेंट फिनिश। ये प्लेयर इस समय खूखार रूप में आया है, लेट आया उस चीज का गुस्सा ऐसा लग रहा है। सोमराज यहाँ पर निकालते नजर जरूर आ रहे हैं, बट वहीं पर नोवा के प्लेयर्स भी फाइट ले जरूर रहे हैं। क्लच गॉट अजीवियर के डक को यहाँ पर पिक करते जरूर नजर आएंगे। फ्रैंकी के ऊपर थोड़े बहुत स्प्रेस दिए जा रहे थे, किंग डक को यहाँ पर फिनिश करेंगे। सी गॉड नोवा के किंग को लेकर के जाते हुए, ये गॉड लाइक ही तो चाहिए थी। क्लच गॉड द शेवियर के प्लेयर्स के ऊपर कहर बन के टूटते हुए, गॉड लाइक अभी भी सरवाइव कर रहे हैं विद द मैन एडवांटेज। इट्स द फाइनल गेम राइट नाउ और S2G का भी सफाया हो जाएगा। 4-3, गॉड लाइक वर्सेस नोवा। दिस इज व्हाट वी वुड हैव वांटेड टू सी एंड दिस